नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 31/10/2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इधर निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है, तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये फिबोनाची का लेवल का 61.8% का ऊपर क्लोज दिया है, सॉरी 50% का ऊपर क्लोज दिया है। ये 61.8% मतलब 11,895 उसके बाद 11,950 तक ये जा सकता है, और नीचे आने के लिए इसका 11,600 का नीचे 11,700 में तो सपोर्ट है ही, और 11,600 के नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद 11,400, उसके बाद 11,390 मतलब 400, उसके बाद ये 11,152 तक आ सकता है। लेकिन ये इतना अभी तक नहीं आएगा लगता है, तो ये ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा रहेगा। और बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, इसमें ये 61.8% का ऊपर जाने का कोशिश, वो ऊपर तो चला गया है, वो फिबोनाची एक्सटेंशन मतलब वो माइनस सॉरी 138% के ऊपर 138.2% के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और इसके बाद ये 161.8% मतलब 31,000 तक ये जा सकता है, लेकिन 30,500 में इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चार्ट का जो बताया है, चार्ट का जो मतलब सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक ये ऊपर ही जाएगा, अभी तक ये ओवरसोल्ड कंडीशन में भी नहीं गया है, निफ्टी का भी ऐसे ही सिचुएशन है। और मैंने ऑप्शन चेन देखूंगा तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में पीसीआर रेशियो 1.39% है, 1.39 है, और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 11,900, और उसके बाद 12,000, उसके बाद 12,000। और इधर देखिए जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है, और इधर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 11,700 में, सॉरी 11 इमीडिएट सपोर्ट है 11,700 में, पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और इधर देखिए, इधर मतलब लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है, इधर जो 11,700 में लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है मतलब नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है, प्राइस भी गिरा है, तो इधर लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है और शॉर्ट बिल्डअप भी इधर 11,800 11,750 में इधर शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है, और इधर ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखूंगा तो ये वन के पीसीआर रेशियो 1 के कुछ ऊपर है, और इसका इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है 30,500 में, इधर शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है पुट साइड में, इधर 29,500 में इसका इमीडिएट सपोर्ट है, और ये भी इधर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जितना दिखाया जा रहा है, तो इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इससे ज़्यादा है, तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी मतलब ज़्यादा है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन ये सपोर्ट लेगा, इमीडिएट सपोर्ट लेगा 29,900 में, 29,800 और 29,700 में भी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, और इस फिर से ऊपर जा सकता है। मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन किया है कितना तक जा सकता है, वो आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए इधर करेंट प्राइस, इम्प्लाइड वैलिटी और डेज टू एक्सपायरेशन मैंने बैठाया, और 11,700 इसका सपोर्ट है और 11,900 इसका रेजिस्टेंस है, तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी मतलब 11,900 तक जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैंने इसको आप लोगों को दिखाता हूँ, 11,050 करूँगा तो तब भी ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी